कटिंग से प्रोपेगेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्पान की बेल को खोल लेंगे। मॉस्टिक में वैसे पान के पत्ते ज्यादा अपनी जड़ छोड़ते नहीं, जैसे मनी प्लांट प्रोपेगेट करते हैं। मॉस्टिक पे हमने इसे फिर भी इसलिए चढ़ा दिया था क्योंकि ये अच्छे लगते हैं बेल की तरह ऊपर चलते हुए। हमने अपनी पान की बेल मॉस्टिक से उतार ली है और अब हम इसकी कटिंग लेंगे। कटिंग लेने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जो भी टूल कटिंग के लिए यूज़ करेंगे उसको आप प्रॉपरली स्टरलाइज कर लें, क्योंकि अगर कटिंग के टूल्स स्टरलाइज नहीं होंगे उन पर बैक्टीरियाज होंगे तो आपकी कटिंग की डिग्रेड होने का, मतलब उनके ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। आप स्टरलाइज करने के लिए अपनी प्रूनर या सीजर को गैस पर या फायर पे फ्लेम कर ले जब तक वो रेड ना हो जाए, फिर उसको ठंडा होने दे, उसके बाद फिर उसको आप कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कटिंग के लिए हम इसके लिए जहाँ पर नोड्स हैं हम नोड से कटिंग लेंगे इसमें, क्योंकि नोड से ही नई रूट्स डेवलप होंगी। अब कटिंग लेने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कटिंग कहाँ से लेनी है। तो मनी प्लांट की तरह ही पान के भी नोड्स पर रूट्स प्रोपेगेट होती है, हमें वहीं से कटिंग लेनी है। जिस तरह की यहाँ पर रूट्स आ रही हैं छोटी छोटी, ये नोड्स पे जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं हमें इसी को बचाकर कटिंग लेनी है, ताकि जो हम नई कटिंग लगाएंगे उनकी रूट्स यहीं से प्रोपेगेट होंगी। पहली कटिंग हम इधर बेस से ही लेंगे, बेस में मैं यहाँ से रूट प्रोपेगेट कराऊंगा तो कटिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब सेकेंड बेस पे यहाँ पर कोई रूट नोड नहीं है तो इतना हिस्सा ख़राब है, तो मैं इसको कट कर दूंगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसमें जिस तरह यहाँ पर नोड्स हैं इस नोड से नई रूट्स प्रोपेगेट होंगी, तो मैं इतना हिस्सा कटिंग में ले सकता हूँ। अब इसी तरह ये वाला हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है, यहाँ से कोई रूट नहीं आएगी। इस हिस्से को काटने का हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर हम ये जो रूट्स हैं हम इसको सॉइल में नीचे इमर्स करेंगे या पानी में प्रोपेगेट करेंगे तो ये हिस्सा पानी के कॉन्टैक्ट में आके सड़ सकता है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट रॉट होगा जो भी हम कटिंग लगाएंगे, तो हमें एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देंगे। अब हमारे पास ये एक और नोड आ गई है, इस नोड से रूट प्रोपेगेट होंगी तो मैं इतना हिस्सा इसकी कटिंग के लिए लूँगा। अब ऐसे ही हम सारी इसकी कटिंग्स निकाल लेंगे। हमारे पास काफ़ी सारी कटिंग आ गई है तीन बेल से और काफ़ी हेल्दी कटिंग्स हैं। कई कटिंग्स में तो रूट ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं जो काफ़ी जल्दी प्रोपेगेट होंगी। जो ऐसी कटिंग्स हैं जिनमें रूट पहले से ही काफ़ी प्रोपेगेट हो चुकी है उनकी ग्रो होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, वो सक्सेस रेट उनका ज़्यादा रहेगा। तो आप भी कोशिश करिए कि आपको कई ऐसी कटिंग्स मिल जाए जिसमें ऑलरेडी रूट्स थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी हों। हमारे पास ये टोटल 35 कटिंग्स आ चुकी हैं और ज़रूरी नहीं है कि 35 कटिंग्स आई हैं तो पूरी 35 ही कल्टीवेट हो जाएंगी, पूरी 35 सक्सेसफुल रहेंगी। 35 कटिंग्स है तो हो सकता है इसमें से 50% ही प्रोपेगेट हो या 60%, अगर बहुत अच्छे से आपने प्रोटोकॉल्स पूरा प्रोसीजर फॉलो करा है तो आपकी 80-90% भी सक्सेस रेट आ सकती है। अब इनको प्रोपेगेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, आइदर हम इनको पानी में प्रोपेगेट करें रूट्स डेवलप होने तक, रूट्स डेवलप होने के बाद हम इनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप इनको डायरेक्टली सॉइल में ही प्रोपेगेट कर सकते हैं। हम अपनी सॉइल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम अपने बीटल लीफ की कटिंग या पान की कटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रहा हूँ जिसमें 1:1 में, मतलब कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल और आधा हिस्सा खाद ऑलरेडी मिली हुई है। इसमें मैं अपनी कोकोपीट जिसमें ऑलरेडी मैन्योर भी मिला हुआ है, कोकोपीट भी मिली हुई है, उसको ऐड करूँगा। जितनी हमारे पास सॉइल है मैं उसका आधा हिस्सा कोकोपीट यूज़ करूँगा। अगर आपके पास कोकोपीट कम है तो आप अपनी कोकोपीट को सॉइल में मिलाने की जगह अपनी नॉर्मल सॉइल को पॉट में फिल करने के बाद टॉप पर 1 इंच या 2 इंच के लिए कोकोपीट लगा सकते हैं। अब हम इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और जब भी कोई भी मैं पॉट में प्लांट लगाता हूँ तो उसकी सॉइल में थोड़ा बहुत परलाइट ज़रूर मिला लेता हूँ। परलाइट ऐड करने का ये फ़ायदा है कि मिट्टी जो है कुछ टाइम बाद, 1 साल 2 साल बाद बंधती नहीं है। पॉट्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी जब न्यूट्रिशंस लूज कर देती है कुछ टाइम बाद वो कस जाती है, जैसे ड्रॉट पड़ जाती है, तो ये उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है और इससे हमारी रूट्स हेल्दी रहती है और रूट्स पे कोई स्ट्रेस नहीं आता। परलाइट हम थोड़ा सा ही मिलाते हैं। अब हमारी सॉइल रेडी है।
प्लांट की कटिंग प्रोपेगेट करने के लिए मैं इधर क्ले पॉट यूज़ कर रहा हूँ। क्ले पॉट यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि ये ठंडा रहता है और गर्मियों में भी प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, और मोर ओवर इसमें प्लांट काफ़ी लंबे टाइम तक चल पाता है। अब इसके होल को हम कवर कर लेंगे किसी भी गिट्टी से या टूटे गमले के टुकड़े से, और जब भी आप नीचे होल को कवर करें तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो टुकड़ा लगाएं वो कर्व्ड हो थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा सा कर्व्ड है, ये फ्लैट नहीं है। अगर आप फ्लैट टुकड़ा लगाएंगे तो होल को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, जिसकी वजह से आपका पानी प्रॉपरली नीचे से ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा और आपकी मिट्टी में पानी एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपकी रूट्स सड़ सकती हैं और पौधा भी डेड हो जाएगा। पॉट और सॉइल अब हमारा रेडी है कटिंग लगाने के लिए। अब हम इसमें अपनी कटिंग्स लगाएंगे। कटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें 1 इंच टू 2 इंच नीचे होल बना लें, फिर उसमें अपनी कटिंग को इमर्स करें। होल करने के लिए आप उंगली से करने की जगह आप स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं। कटिंग अब लगा लिया, अब हम इसमें पानी देंगे। पानी आप कभी भी डायरेक्ट मग से या डायरेक्ट पाइप से ना दें, स्प्रिंकल करके दें, स्प्रे से दें, या फिर हाथ ऐसे करके पानी दे सकते हैं नीचे मग से, क्योंकि अभी आपकी नई कटिंग है, आप उसमें डायरेक्टली पानी एकदम से ओवरफ्लो कर देंगे तो कटिंग गिर भी सकती है और पानी इधर उधर होगा, आपकी कटिंग वापस बाहर आ जाएगी, आपको वापस गीली मिट्टी में फिर अपनी कटिंग लगानी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि स्प्रे से ही पानी दें जब आप नई कटिंग लगाएं। कटिंग लगाने के बाद कभी भी आप अपने प्लांट को डायरेक्ट धूप में या इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ना रखें। आप कोशिश करें कि कटिंग लगाने के बाद आप अपने प्लांट को 1 दिन या 2 दिन पहले शेड में रखें, उसके बाद आप उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ले जा सकते हैं जब वो कटिंग आपकी चलने लगे। जस्ट चलते ही आप उसको एकदम से सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं। जब आपकी कटिंग चल जाए और उसकी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ जाए तब आप उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में लेके जाएं, और जब आपका प्लांट हेल्दी हो जाए और सर्वाइव करने लायक हो तब आप उसको सनलाइट में ले जा सकते हैं। बच्ची बाकी कटिंग्स को पानी में ग्रो करेंगे, उसके लिए मैं ग्लास बॉटल यूज़ करूँगा। प्लास्टिक बॉटल मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि प्लास्टिक जो है कुछ टाइम बाद आप उसको सनलाइट में रखेंगे, इनडायरेक्टली सनलाइट में भी रखेंगे, तो वो अपने केमिकल्स को लीच करता है, यानी कि अपने केमिकल्स को रिलीज करता है पानी में, जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है या आपकी कटिंग ख़राब भी हो सकती है। अब मैंने अपने बॉटल को ऊपर से थोड़ा बहुत खाली छोड़ दिया है, क्योंकि आप ऊपर तक भरेंगे और अपनी कटिंग को इसमें इमर्स करेंगे तो नोड के ऊपर का एरिया भी गीला होगा, जिसकी वजह से आपकी कटिंग रॉट हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी कटिंग का सिर्फ नोड वाला हिस्सा जहाँ से रूट्स आएंगी वो ही इमर्स हो पानी में, वो ही पानी में डूबे। मैंने अपनी कटिंग्स को इस तरह से बांध लिया है ताकि मैं जब इसमें पानी में डालूं तो पूरी कटिंग नीचे ना जाए। मैं इसको फिर बॉटल से बांध सकता हूं ताकि पूरी कटिंग पानी में ना गिरे। जैसे इतना हिस्सा मेरा बॉटल में जा चुका है और वो सिर्फ रूट्स को टच कर रहा है पानी, और इतने हिस्से को अब हम बांध देंगे बॉटल से ताकि फर्दर ये कटिंग्स हमारी नीचे ना गिरे। अब आपकी कटिंग लग चुकी है, अब इसको भी हम शेड में ही रखेंगे ताकि इसकी पहले रूट्स प्रॉपरली ग्रो हो जाए। जब इसकी रूट्स ग्रो हो जाएंगी तब हम इसको पानी में से निकाल के सॉइल में कल्टीवेट करेंगे। इसमें देख सकते हैं कि वाटर लेवल सिर्फ उतना है कि हमारी जो नोड्स हैं या जहाँ से रूट्स प्रोपागेट होंगी सिर्फ वही हिस्सा पानी में इमर्स्ड है, पूरी कटिंग हमारी पानी में इमर्स्ड नहीं है। आपको भी कटिंग इसी तरह लगानी है। फ्रेंड्स, ये हमारे 7 दिन बाद का रिजल्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी कटिंग में से रूट्स अच्छे से डेवलप हो रही हैं। हमारी पानी में लगाई कटिंग सॉइल के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल रही, सॉइल में लगाई हुई हमारी कुछ कटिंग्स जो है ज़्यादा रॉट हो गई थी।